सर्वप्रथम कीर्तन करेंगे। राधे श्याम रटो उमरिया थोरी है, 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 नाव भवर में डूबती जावे, नाव भवर में फंसती जावे, नाव भवर में फंसती जावे, नाव भवर श्याम रटो उमरिया थोरी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोरी है, आयु दिन रात घटती जावे, आयु दिन रात बीतती जावे, आयु रात दिन घटती जावे, रात भयानक चढ़ती आवे, रात भयानक चढ़ती आवे, रात भयानक चढ़ती आवे, रात भयानक चढ़ती आवे, जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, जग से दूर दूर हटो उमरिया थोरी है, जग से दूर हटो उमरिया थोरी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोरी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोरी है, झूठे जग में मन भर मावे, 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 हीरा जैसा जन्म गवावे, हीरा जैसा जन्म गवावे, हीरा जैसा जन्म गवावे, हीरा जैसा जन्म गवावे, कृष्ण चरण पकड़ो उमरिया थोड़ी है, कृष्ण चरण पकड़ो उमरिया थोड़ी है, कृष्ण चरण पकड़ो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है,
जय श्री राधे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्री माधवदास जी का चरित्र सुना था कि भगवान स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं और भक्त स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को जो आनंद, जो सुख, जो रस भक्तों की सेवा में मिलता है वह कहीं पे भी नहीं मिलता। भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए तल्लीन रहते हैं कि कब भक्त की सेवा मिले, कब मैं भक्तों की सेवा करूं। तो भगवान स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं। माधवदास जी को संग्रहणी रोग हो गया था तो भगवान ने स्वयं उनकी मलमूत्र सफाई किया था। भगवान भक्त की हर सेवा करते हैं, हर कार्य करते हैं। वो दो तीन दिनों से भूखे प्यासे थे तो उनको स्वर्ण के थाल में अपने शयन भोग का जो लड्डू था वो लक्ष्मी के हाथ भिजवा दिया। भगवान अपने भक्तों की इतना चिंता रखते हैं, उनका इतना ध्यान रखते कि जब तक भक्त लोग प्रसाद नहीं पाते, भक्त लोग जब तक शयन नहीं करते, जब तक भगवान भी नहीं करते। अगर कोई भक्त भूखा होगा तो पहले उसको भोजन देंगे, पहले उसको प्रसाद देंगे, फिर स्वतः पाएंगे। इतने दयामयी करुणामयी जो भगवान है, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो भक्तों की हर सेवा करने के लिए तल्लीन रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि कब भगवान की सेवा मिले और कब मेरे भक्त मेरी शरण में आ जाए। माधवदास जी को ये देखा नहीं जाता था कि भगवान मेरी सेवा करते हैं, तो माधवदास जी ने कहा कि प्रभु आपको सेवा करते हुए देख मुझे बहुत कष्ट होता है, आप मेरे इन संकटों को दूर करो, मेरे इस दुख को दूर करो। तो भगवान ने कहा कि हम लोगों ने अनंत जन्म लिए और जब भी हम लोग जन्म लेते तो जरूर कर्म करते और इस शरीर के लिए कुछ ना कुछ धर्म बनाते, तो इस जन्म लेने के बाद कर्म करना तो जरूरी है। ऐसा कोई कर्म घट जाता है जिससे जीवन भर कष्ट पाना पड़ता है। श्री नाभाजी महाराज कहते जैसे राजा निमि थे, उन्होंने गुस्से में आके अपने गुरु वशिष्ठ जी को शाप दे दिया था। जब देवताओं ने उनका दूसरा शरीर ग्रहण कराया तब वो मुक्त हुए। तो जब कर्म का भोग पूरी तरीका से नहीं होता, जब तक इस शरीर का कुछ भी कार्य सफल नहीं होता, तो भगवान ने कहा कि हम लोग अनंत जन्मों से अनंत कर्म करते आ रहे हैं, ये सारे कर्म हम लोगों को भुगतने पड़ते। अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भुगतना पड़ता है, कष्ट भुगतना पड़ता है। अगर हम लोगों ने अच्छे कर्म किए, अच्छे पुण्य किया है तो हमें भगवान की शरण मिल जाती है। जो अच्छा कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके सारे पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब उसको संतों महापुरुषों का संग मिलता है, सानिध्य मिलता है और भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। जब माधवदास जी ने कहा कि प्रभु मेरे शरीर के सारे कष्ट दूर करो, तो भगवान ने कहा नहीं, अगर तुम्हारे सारे कर्मों का फल नहीं हुआ, सारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं हुआ, तो तुम्हें दोबारा किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारा भजन भक्ति का मार्ग है वह छूट जाएगा। तो भगवान ने उनके कष्ट दूर नहीं किए बल्कि स्वयं अपनी ईश्वरता को त्याग के उनकी सेवा करी, उनके मल को सफाई किया। जब तक कि शरीर के सारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता तब तक जन्म मृत्यु के बंधन से
मुक्ति नहीं मिलती। और मुक्ति देने वाले केवल भगवान है, पर भक्त लोग ना मुक्ति चाहते ना मोक्ष चाहते, ना ही त्रिलोक का राज्य चाहते ना स्वर्ग चाहते। भक्त लोग तो एक ही आशा रखते हैं कि केवल भगवान के चरणों की भक्ति मिले, चाहे हमारा नरक में भी जन्म हो जाए, पाताल में भी क्यों ना जन्म हो जाए, परंतु हमें केवल भगवान के चरणों की भक्ति मिले और संतों की सेवा मिले। भक्तों का एक ही लक्ष्य होता है, संसारी जीवों का कल्याण करना और भगवान की जो लीला कथा है उनका प्रचार करना। जब भगवान रास में गोपियों को छोड़ के गए थे, तब गोपियों ने गोपी गीत में यही कहा था, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरणितम कल्म शापम, कि भगवान का कथा कीर्तन ही इस संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए हमें नौका है। जो इस नौका को पकड़ लेता है, जो इस नौका में बैठ जाता है, उसको कोई भी भय नहीं रहता, कोई भी चिंता नहीं रहती, वो आराम से इस भवसागर को पार कर जाता है केवल भगवान की कथा कीर्तन, उनके लीला और गुणानुवादन सुनने से, उसका चिंतन करने से। तो भक्त लोग तो एक ही कार्य करते हैं, भगवान का चिंतन करते और संतों की सेवा करते और संसार को शिक्षा देते, स्वतः भिक्षा करके रोटी खाते और लोगों को शिक्षा देते कि यही हमारे जीवन का सच्चा रास्ता है। जैसे कुत्ता होता है, उसको लाख बार डांटो चाहे डंडा मार के भगाओ, वो रोटी की लोभ में उसी घर पे वापिस आ जाता है, उसी तरह भक्त लोग होते हैं। कोई मान सम्मान की चाह नहीं है। श्री सुंदरदास जी तो कहते हैं, पाप जैसी प्रभुताई शाप जैसो सम्मान, बिच्छू सी बड़ाई और नागिनी सी नारी है, कि पाप सम्मान के रूप में हमारे पास बन के आता है और शाप सो सम्मान। और जो सम्मान है, जैसे कोई किसी को शाप देता है तो उसको पूरा जीवन शापित जीना पड़ता है, उसका विनाश हो जाता है। जैसे जब मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है मनुष्य को, तो मनुष्य अहंता करने लग जाता है, अहम करता है कि मैं तो सबसे बड़ा हो गया, मुझसे बड़ा तो संसार में कोई नहीं है। पर भक्तों में ये नहीं होता। भक्त लोग मान सम्मान या प्रतिष्ठा मिलने से कभी खुश नहीं होते। श्री गीता जी में कहा है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मे भक्त समय प्रिया, कि भक्त कभी मान सम्मान को पाके या नए वस्त्र पाके या कुछ सम्मान या कोई वस्तु पाके कभी खुश नहीं होते। किसी जीव से द्वेष नहीं करते, उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, उनको कोई कितना भी ठुकरावे, तो भी वह किसी के साथ द्वेष का व्यवहार नहीं करते। और शुभा शुभ परित्यागी, शुभ अशुभ सब वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। कोई अच्छी वस्तु है उसका भी त्याग कर देते हैं और कोई बुरी वस्तु है उसका भी त्याग कर देते हैं। किसी की भी आशा नहीं रखते, क्योंकि आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। जिसके मन में कोई भी आशा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसको जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। जब उसका कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो वो आशा ही नहीं करता। उसके तो केवल भगवान ही है। भक्त केवल भगवान की और भगवान के भक्तों की आशा रखते हैं कि कब भगवान की प्राप्ति हो और भक्तों का संग मिले, भक्तों की सेवा मिले, भक्तों का सानिध्य मिले, उनकी कृपा मिले, इसी की आशा रखते और भगवान नाम का कीर्तन करते हैं।
पर हम लोग संसारी लोगों की तो लाखों इच्छा मन में भरी हुई रहती है कि कल वो करेंगे, परसों वहाँ जाएंगे। ये नहीं सोचते कि एक शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें दिया है, इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है कि उसको हम भगवान के चरणों में लगा दें, भगवान की भक्ति में लगा दें। पर जीव तो संसारियों के पीछे दौड़ता है। बिच्छू सी बड़ाई, जब कोई भक्तों की बड़ाई करता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमें बिच्छू डंक मार रहे हैं, और कहा कि नागिनी सी नारी है, कि जैसे काली नागिन डस लेती है तो तुरंत मनुष्य उसी समय मर जाता है। तो वैसे ही श्री की उपमा दिए कि श्री में हर समय 8 अवगुण रहते हैं। पुरुष को देख के चंचल मन हो जाता है, तो श्री को काली नागिन कह दिया कि श्री तो काली नागिन है, अगर श्री का स्पर्श भी हुआ, उसने डंक भी मार दिया तो उसी समय मनुष्य मर जाएगा, उसी समय उसके अधीन हो जाता है, भगवत भक्ति को भूल जाता है। जैसे अजामिल जी ब्राह्मण थे, जंगल में गए थे ठाकुर जी की सेवा के फूल लाने के लिए। जब एक शूद्र को वेश्या के साथ समागम करते हुए देखा तो उनका मन चंचल हो उठा और उसी वेश्या को अपने घर में ला के रख दिया। पर संत लोग जब किसी पे कृपा करना चाहते तो उसकी मुक्ति करके छोड़ते, जब तक उसको छोड़ते नहीं है। जैसे माधुदास जी ने उस स्त्री का उद्धार किया था, उनका अपमान किया था स्त्री ने, उनके ऊपर पोंता फेंका, फिर भी उसकी बत्ती बना के जगन्नाथ जी के मंदिर में जलाई और उसके हृदय में जितना भी अंधकार था, जितने भी कलमश थे, पाप थे, सबको धो दिया और उसको भगवत भक्ति का मार्ग दिखा दिया। तो संत महापुरुषों की तो सहजी करुणा और दया उमड़ आती है। जब किसी पे कृपा करनी हो, दया करनी हो, तो मन में ठान लेते और उसको भगवत भक्ति का मार्ग दिखाई देते हैं। इनके साथ अनेकों लीला हुआ करती थी। जब ये जगन्नाथ जी का दर्शन करने मंदिर में जाते थे तो अपने शरीर की सूदी बुद्धि खो जाते थे, कुछ ध्यान नहीं रहता था, कई घंटे जगन्नाथ जी के सामने खड़े रह जाते थे, ना भूख का ध्यान रहता, ना प्यास का ध्यान रहता था, और कभी कभी तो रात में भी वहीं रुक जाते थे। श्री नाभाजी महाराज कहते कि जब दिन में दर्शन करने जाते जगन्नाथ जी का, जब तो भीड़ लगी रहती थी तो प्रभु से कुछ बातें भी नहीं कर पाते थे, कुछ वार्तालाप भी नहीं कर पाते थे, तो रात में भी वहीं रुक जाया करते थे। पर जब पुजारी लोग होते, शयन होने के बाद ठाकुर जी का सबको मंदिर के बाहर निकाल देते, पर माधोदास जी वहीं बैठे रहते थे, पर किसी को भी दिखाई नहीं देता था। तो कहते जिसको भगवान देखने वाला और दिखाने वाला है, उसको संसार भले कैसे देख पाएगा। माधोदास जी रात रात भर वहीं बैठे रहते थे, भगवान के साथ लीला गुणानुवाद करते थे, उनके साथ भगवत चर्चा करते थे, पर जो पुजारी थे उनको ये सब दिखता नहीं था। हर किसी को मंदिर के बाहर निकाल देते थे, माधोदास जी वहीं बैठे रहते थे, पर पुजारियों को दिखता ही नहीं था। एक बार झाड़े के दिन थे, माधवदास जी को झाड़ा लग रहा था और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी कप कपा रहे थे, क्योंकि पहले कहा कि जो भक्तों पे कष्ट आता है, भक्तों पे कुछ भी संकट आता है तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जब माधवदास जी को झाड़ा लग रहा था तो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया और जाके उनको अपनी जो रजाई थी वो ओढ़ा दी, और जब उनको झाड़ा लगना बंद हो गया तो भगवान बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ बिछाए ऐसे ही सो गए। जब सवेरे पुजारी लोग आए, सबने देखा
कि ठाकुर जी उघारे सो रहे, तो सब ने देखा कि माधवदास जी इनकी रजाई ओढ़ के सो रहे। तो सब जानते थे कि भगवान तो इनके साथ नित्य नई नई लीला करते हैं, रोज इनके साथ कुछ ना कुछ नई नई लीलाएं करते, इसलिए पुजारियों ने कुछ नहीं कहा। जब ये जानते नहीं थे, जब तो इनकी बेतों से मार लगाई थी, उस समय भगवान ने सारी चोट अपने ऊपर ले ली थी, पर सब जान गए थे कि भगवान इनकी हर कोई चीज की रक्षा करते, हर समय भक्तों की रक्षा करते, तो पुजारियों ने उस समय कुछ नहीं कहा। तो भगवान भक्त का कोई भी कष्ट आता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त लोग देखते तो सोचते कि भगवान हमारा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते, तो भगवान से कहते कि हमारा यह कष्ट दूर करो, पर भगवान एक ही बार कहते हैं कि जब तक इस शरीर के सारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता, तब तक इस शरीर की मुक्ति नहीं होती, इसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। चाहे तो भगवान कृपा करके उसी समय सारे कर्मों का प्रायश्चित करा सकते हैं। जैसे उदाहरण देते कि कोई जेल है, उसमें किसी चोरी करने वालों को फांसी लग रही हो, तो जो उसके मुख्य अधिकारी होते वो उनसे जो नीचे होते उनसे कह के उसे क्षमा भी करवा देते, उसको छुटवा भी सकते। वैसे ही भगवान अपने भक्तों पे दया करते, पर उनके कर्मों का प्रायश्चित स्वतः अपने हाथों से करते, उनकी सेवा करते, उन पे जितने भी कष्ट आते अपने ऊपर लेके स्वयं भक्तों को सुख देते और स्वतः दुखी जीवन जीते। तो भगवान इतने करुणामय है, दयामय है, अगर हम लोग भी उनकी शरण में जाए तो निश्चित है भगवान हमको ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि सूरदास जी ने कहा है, बड़ी है राम नाम की ओट, बैठत सबे सबा हरिजू की, कौन बड़ो कौन छोट। कि भगवान के नाम की तो इतनी महिमा है कि जब उनके भक्त कथा कीर्तन करते, सत्संग करते, तो उसमें जाके चाहे 4 साल का बच्चा बैठ जाए, चाहे 40 साल का बुढ़ा व्यक्ति बैठ जाए, उस समय कोई भी ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक समान है, सबके हृदय में भगवान है। हर जीव के अंदर भगवान को देखते भक्त लोग, ना किसी से द्वेष करते, ना किसी से ज्यादा प्रेम करते। प्रेम तो केवल भगवान से करते और शिक्षा संसार को देते कि भाई जीवन का सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग तो यही है कि भगवान के चरणों का आश्रय लो और भक्तों की सेवा करो। एक बार जगन्नाथपुरी में एक दिग्विजयी पंडित आए और कहने लगे कि हमसे कोई शास्त्रार्थ कर लो। दिग्विजय उसको कहा जाता है जो पूरे संसार को शास्त्रार्थ में जीत के आया हो। वो जो दिग्विजयी ब्राह्मण था वो पूरे संसार में शास्त्रार्थ में जीत के आया था, बस काशी और जगन्नाथपुरी दो ही स्थान बाकी रह गए थे। तो वो जगन्नाथपुरी में आया कि कोई मुझसे शास्त्रार्थ कर लो। तो वहीं के जितने भी पंडा पुजारी थे, ब्राह्मण थे, सबने कहा कि भाई तू क्या माधवदास जी से जीत के आया है? तो उसने कहा नहीं। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि पहले तुम माधवदास जी के पास जाओ, वो हमारे गुरु है, अगर वो तुमसे हार मान जाते तो हम सब लोग तुमसे हार मान जाएंगे। तो जो दिग्विजयी पंडित था वो तुरंत माधवदास जी के पास गया और कहा कि तुम हमसे शास्त्रार्थ करो। तो माधवदास जी तो भक्त थे, उनको क्या शास्त्रार्थ, क्या जीत और क्या हार। जीत को तो वो जमराजा का रास्ता समझते और हार को तो भगवान के चरणों का आश्रय समझते हैं। प्रतिष्ठा को सुकृत विष्ठा समझते, इसलिए उन्होंने उस पत्र पे
विजय पत्र पे अपनी हार लिख दी कि माधवदास जी हार गए और दिग्विजय पंडित शास्त्रार्थ में जीत गए। तो वह पूरी जगन्नाथपुरी में गए और हल्ला मचा दिया कि माधवदास जी ने तो हार मान ली। फिर कुछ लोग तो ऐसा भी कहते कि पहले ये काशी गए थे, काशी जाकर उन्होंने कहा कि कोई हमसे शास्त्रार्थ करो। तो वहीं के ब्राह्मणों ने कहा कि काशी तो सबसे अंतिम स्थान है, जो पूरे संसार को जीत के आखिर में यहाँ के जो जीतता है वही दिग्विजय कहा जाता है। पहले तुम माधवदास जी के पास जाओ और उनसे शास्त्रार्थ करो, जब वो तुमसे जीत जाए या तुमसे हार जाए तब हमारे पास आना। तो वह दिग्विजय ब्राह्मण था, वो माधवदास जी के पास गया। माधवदास जी तो सरल भक्त थे, उनको मान सम्मान की इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपनी विजय पत्र पे हार लिख दी। वो काशी में गया और विजय पत्र खोला तो देखा उसमें दिग्विजय पंडित था, उसकी तो हार लिखी थी और माधवदास जी की जीत लिखी थी। ये देख के उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि ऐसे निर्मोही है ये कि हमारे साथ झूठा व्यवहार करते, हार के बदले अपनी जीत लिख दी और हमारी हार लिख दी। तो वो वापिस जगन्नाथपुरी लौट के आए और माधवदास जी के पास जाके उनको फटकारने लग गए कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, झूठ बोल गए हमसे कि हम तुमसे हार मानते और अपनी तो जीत लिख दी और हमारी हार लिख दी। तो माधवदास जी शांत रहे और फिर बोले, भाई तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं, तुम अच्छे से अपने पत्र पढ़ो फिर बोलो। तो उन्होंने खोल के पढ़ा तो उसमें माधवदास जी की तो हार लिखी थी और उस ब्राह्मण की जीत लिखी थी। यह देख के उसके कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या खेल हो रहा है। तो उसने एक लीला रची, एक गधे को मंगाया और जूतों की माला बनाई और कहा कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो इस गधे पे बैठ के काला मुंह करके और इन जूतों की माला पहन के पूरी जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करेगा और अपनी हार स्वीकार करेगा सबके बीच में। तो माधवदास जी ने कहा, ठीक है अभी हम गंगा स्नान करके आते, जब तक तुम यहाँ बैठिए। तो वह ब्राह्मण वहाँ बैठ गए, जब तक जगन्नाथ जी माधवदास जी का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास आए और कहा कि अब तुम माधवदास जी के शिष्य का रूप धारण किया और उनके पास आए और कहा कि पहले तुम हमसे शास्त्रार्थ करो फिर हमारे गुरु जी से शास्त्रार्थ करना। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है पहले हम तुमसे शास्त्रार्थ करते। अब भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, भले कैसे हार सकते थे। दो ही मिनट में उस ब्राह्मण को हरा दिया और जब तक माधवदास जी गंगा स्नान करके नहीं आए उसके पहले ही उस ब्राह्मण को गधे पे बैठाया और उसका काला मुंह करके उसके गले में जूतों की माला पहना दी और पूरे जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करके करवाने लग गए और अपने कुछ सखा संग में ले लिए और पीछे से ताली बजाते बजाते जा रहे कि ब्राह्मण की तो हार हो गई, ब्राह्मण की तो हार हो गई। और गधे को हाँकते जा रहे, पूरे जगन्नाथपुरी की परिक्रमा होने को आई, उसी रास्ते से माधवदास जी गंगा स्नान करके आ रहे थे। माधवदास जी ने देखा कि इस बेचारे का ये हाल किसने कर दिया। तो उसने उन ब्राह्मण ने कहा कि जो तुम्हारा शिष्य है ना वो हमसे शास्त्रार्थ में जीत गया और हम हार गए। तो माधवदास जी क्रोधित हो गए और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो जगन्नाथ जी थे। जगन्नाथ जी उसी समय वहाँ से चले गए। माधवदास जी ने उनको गधे से उतारा, उनका मुंह धोया और फिर अपनी हार लिख दी। पर अब हार और जीत लिखने से कुछ फायदा नहीं था। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जो इसको रखता है, इन्होंने एक सलाह रखा था तो कहा कि जो सलाह रखता है उसी पे वापिस आ जाता है। जैसे एक कुटिला स्त्री थी, उसका पति
भगवान का भक्त था, नित्य प्रति अपने घर में साधुओं की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था। एक दिन वह कहीं बाहर चले गए तो उनके घर में संत लोग आए। संत लोग आ गए तो श्री से देखा नहीं गया, वो एक रस्सी और मूसर लेके इस कोने से उस कोने में छुपावे, उस कोने से दूसरे कोने में छुपावे। तो एक संत ने कहा कि भाई जी आप ये क्या कर रही हो? तो वह झूठ बोल गई और कहा कि जो हमारे पति देव है ना, जो भी संत भक्त घर पे आते उनको रस्सी से बांधते और इस मूसर से पिटाई लगाते, तो हम इसको छुपा रहे हैं, वो अभी आने ही वाले हैं। तो ये सुन के संत लोग तो घबरा गए और वहीं से उठ के चल दिए और उसी रास्ते से जो उसके पति थे श्री के वो आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि संत लोग हमारे घर से भगे जा रहे हैं, जरूर स्त्री ने कुछ कहा होगा। घर पे दौड़े दौड़े आए और कहा कि तुमने इन संतों को रोका क्यों नहीं, क्या किया तुम लोगों ने तुमने इनके साथ? तो उसने कहा कुछ नहीं, वो तो ये मूसर और रस्सी मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने इनको नहीं दिया तो वो घर से चले गए। तो उन भक्त ने कहा कि तुमको इस मूसर को और रस्सी को दे देना चाहिए था। तो वो औरत बोली कि फिर घर का व्यवहार और घर का काम कैसे चलता, फिर तुम आगे संतों की सेवा किससे करते? तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा मूसर ले आता, तुमने इसको भक्तों को क्यों नहीं दिया? मूसर और रस्सी उठाई और भक्तों के पीछे दौड़ लगाई और कहा कि सुनो इसको ले जाओ। जब भक्तों ने देखा कि ये सच में ही रस्सी और मूसर लेके आ रहा है, अब तो सच में हमको मारेगा, तो वो सारा सामान अपना बिस्तर वहीं फेंक के अपने प्राण बचा के भागने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भाई रुको रुको, कैसे वैसे दौड़ दौड़ के उन्होंने संतों को रोका और वो मूसर और रस्सी देने लग गए। तो संतों ने कहा कि भाई हम इसको नहीं लेते, हमको नहीं चाहिए, हमें छोड़ो, हमें तो अपने प्राण बचाने, हमें भगवान का भजन करना है, हमें छोड़ दो। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम घर से इतनी जल्दी क्यों भग आए, प्रसाद पाइए, चलो घर पे वापस। तो संतों ने कहा नहीं, कहीं तुम हमको इस रस्सी से बांधो और मूसर से मार लगाओ तो हमारे प्राण उसी समय निकल जाएंगे, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी की मार खा के अभी जिंदा रह जाए। जब उस भक्तों को पता पड़ गया कि श्री ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, संतों को तो कुछ नहीं कहा, उनको प्रणाम किया और घर पे लौट आए और श्री को उसी रस्सी से बांधा और मूसर लेके खूब मार लगाई और उसको घर से बाहर निकाल दिया कि यहाँ से निकल जा, संतों को अपराध करती है, संतों को परेशान करती है, और उसको उसी समय घर से बाहर निकाल दिया। वो तो संतों को घर से भगाना चाहती थी उस मूसर और रस्सी दिखा के, पर परिणाम उल्टा हुआ कि उसी को पर आके लद गया कि उसी को वो घर छोड़ के चला जाना पड़ा। तो नाभा जी कहते हैं कि जो जैसा करना चाहता है दूसरे के प्रति उसी पे ही आ जाता है, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ही मर जाओगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही बिगड़ जाएगा। अगर तुम किसी की चोरी करना चाहते हो, किसी का धन लूटना चाहते हो, तो उसके पहले तुम्हारा ही धन लूट जाएगा, तुम्हारा ही सामान चोरी हो जाएगा, पर भक्त का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, भक्त की रक्षा तो भगवान करते हैं। तो वैसा ही उस पंडित के साथ हुआ। उस ब्राह्मण ने तो ये रखा था कि जो हार मानेगा वो इस गधे पर बैठ के अपना मुंह काला करके और जूतों की माला गले में पहन के पूरे जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करेगा, पर ये जगन्नाथ जी से देखा ही कब जा सकता था कि माधवदास जी अपना मुंह काला करे और एक गधे पे बैठ के गले में जूतों की माला पहन के जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करे। वो गंगा स्नान करने चले गए, उसके पहले उस ब्राह्मण को हरा दिया और पूरे जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करवा दी। तो भगवान हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कहीं से ना कहीं से मार्ग निकाल ही लेते कि मेरी भक्त की रक्षा हो जाए।
हर समय अपने भक्तों की रक्षा में लगे रहते हैं। जब ये भगवान का दर्शन करते तो इनका अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती थी, अपने आप को भूल जाते थे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। वहीं बैठे रहते भगवान की लीलाओं का गान करते और कहते थे कि यही सच्चा रास्ता है जिससे हम लोगों की नैया पार लगेगी, इस भव सागर से हम लोग तर जाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति इसी से होगी, भक्तों की सेवा करने से और भगवान का लीलानुवादन करने से, भगवान की भक्तों की चर्चा करने से, उनका कथा कीर्तन करने से। तो हर समय भगवान का कीर्तन करते रहते थे, भगवान का भजन करते थे और संसार को शिक्षा देते थे कि भगवान का नाम लो, यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा उपाय है और यही हमें इस संसार चक्र से छुड़ाएगा और भगवान की प्राप्ति कराएगा। जैसे प्रहलाद जी थे, उनके पास तो केवल एक भगवान के नाम का ही बल था, भगवान का नाम लेके ही उन्होंने हिरण्यकश्यप को जीत लिया था, जिसके सामने तीनों लोग कांप जाते थे। अगर वो क्रोध करता था तो जो तीनों लोगों के दिग्विजय होते वो कांप जाते थे, डर जाते थे, पूरी पृथ्वी हिल जाती थी जब हिरण्यकश्यप की भौं टेढ़ी हो जाती थी। और उसके सामने 5 साल के प्रहलाद जी केवल एक भगवान का नाम लेके खड़े। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि भक्त का कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। सूरदास जी कहते, जे घट अंतर हरि सुमिरे, ताको काल रूटी का करिए जो चित चरण धरे। कि जिसका मन भगवान में लग गया है, जिसको भगवान ने अपना लिया है, उसका महाकाल आके भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये संसारी लोग भले उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। भक्तों का भगवान के नाम पे इतना विश्वास होता है, इतनी श्रद्धा होती है कि वह केवल भगवान का नाम लेके ही अनेकों ग्रंथों की रचना कर देते हैं। ये माधवदास जी श्री व्यास जी के अवतार थे और इनका जन्म ब्राह्मण कुल में कान्यकुब्ज जाति में हुआ था। ये कान्यकुब्ज जाति के ब्राह्मण थे और जन्म जाति इनमें इतनी भक्ति थी कि ये भगवान से प्रेम करते थे, पर संसार में अपने माता पिता और अपने पतिव्रता पत्नी के साथ रहते थे। पर जब इनके पतिव्रता पत्नी ने इस शरीर को त्याग दिया और इस संसार को छोड़ के चली गई, तब उनको ज्ञान हुआ कि संसार तो असार है, कल हम लोग भी इसी तरीका से मर के इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि अभी मेरा पुत्र छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा इसका विवाह करवा देंगे, संसार का सारा भार इसके हाथ पे करवा देंगे, इसके ऊपर लिखवा देंगे, फिर एकांत में जाके भगवान का भजन करेंगे। पर भगवान ने ऐसी लीला करी कि उसी समय उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसी समय वह संसार को और अपने माता पिता को छोड़ के घर से जगन्नाथपुरी चल दिए और जाके नीलाचल धाम में रहने लग गए और भगवान का भजन करने लग गए, भगवान की भक्ति करने लग गए। और ऐसा भजन किया कि 2 ही 3 दिन में भगवान इन पे प्रसन्न हो गए और इनको अपने शयन भोग का प्रसाद ही दे दी। भगवान को प्रसन्न करने में कुछ भी नहीं है, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, पर उतनी भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने कहा है, जिसका मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, जिसके मन में कपट नहीं होता, छल नहीं होता, उसके हृदय में मैं वास करता हूँ, उसको मैं अपना बना लेता हूँ। श्री रामायण जी में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, कपट रहित है, छल से रहित है,
उसी के हृदय में मैं वास करता हूँ और वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है और वही मेरा भजन कर सकता है। जब मन में कपट आ जाता है, छल आ जाता है, तो चोरी छुप छुप के कुछ ना कुछ काम करते रहते और सोचते भगवान थोड़ी नहीं देख रहा, पर यह नहीं पता कि भगवान की हजारों आंखें लगी हुई है। तुम 10 कोठरी के अंदर जाके भी कोई चोरी छुप के काम करोगे तो वहीं पे भी भगवान तुमको देखेंगे। जैसे कोई काजल की कोठरी है और उसके बीच में से कोई बच के निकलना चाहे तो कदापि नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो काजल लग ही जाता है। उसी तरीका से भगवान है, हर जगह चर अचर में भगवान समाये हुए है। जभी तो प्रहलाद जी को खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। अगर भगवान ही नहीं होते चराचर में तो उस समय नरसिंह भगवान प्रकट ही नहीं होते। पर उनका विश्वास था कि हर जगह हर वस्तु में भगवान का वास है, हर जीव भगवान का अंश है, हर जीव के हृदय में भगवान निवास करते। पर हर किसी को इसका पता नहीं पड़ता, इसको तो भक्त लोग ही समझ पाते हैं, क्योंकि उनके मन में कपट नहीं रहता, छल नहीं रहता। वह दुनिया को छोड़ के भगवान का भजन करते हैं। और कई भक्त तो ऐसे हुए, अपना सारा घर गृहस्थी का काम करते हुए भी भगवान का भजन करते थे। हरिपाल भगत थे, लुटेरों जैसा काम करते थे, चोरी करते थे, उनका वो भी परम धर्म बन गया भगवान की भक्ति करना। वो लूटते थे धन को और भक्तों की सेवा करते थे और खुद सूखे टुकड़े खाते थे। तो उनका चोरी करना, लूटपाट करना भी परम धर्म बन गया। अगर भगवान के नाम में सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, तो हर काम हर कार्य परम धर्म बन जाता है। केवल भगवान के नाम में विश्वास और श्रद्धा होना जरूरी है। भगवान के भक्तों के पास रिद्धि सिद्धियाँ तो दौड़ती रहती है, लक्ष्मी जी दौड़ती रहती है, पर भक्त लोग कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान का नाम लेते और उनका सारा जीवन भगवान के चरणों में व्यतीत होता है। ऐसे माधवदास जी भगवान का भजन करते थे और भगवान की भक्ति करते थे। उदाहरण देते नाबाजी महाराज की, एक स्त्री थी, उसका पति भक्त था, वो भी सेवा करती थी संतों की। पर जब वो कहते थे कि आज मालपुआ बना देना, आज को सन है, उत्सव है, त्यौहार है, तो वो उस दिन सूखे टिक्कड़ बनाती बाजरे के और संतों को खवाती थी, तो ये उससे बहुत परेशान थे। जो भी इसे करने को कहते थे उससे उल्टा करती थी, हर काम उल्टा करती थी। उसको पानी भरने के कहते तो घड़ा फोड़ के रख देती थी, उसको रोटी बनाने कहते तो सूखे टिक्कड़ बना के रख देती थी, हर काम उल्टा करती थी। तो ये सिद्ध संत थे, उनके पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हमारी ये समस्या है, हम भक्तों की सेवा करते पर हमारी स्त्री जो भी कहो उससे उल्टा ही करती है। तो उन संत ने कहा, अगर तुम्हारी भक्तों में सच्ची श्रद्धा है तो आज तुम उल्टे हो जाओ तो तुम्हारी स्त्री अपने आप सीधी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वह घर गए और उन्होंने स्त्री को जाके कहा कि आज त्यौहार है, आज उत्सव है, तुम सूखे बाजरे के टिक्कड़ बनाना, संत लोग प्रसाद पाने आएंगे। तो उसने कहा आज टिक्कड़ नहीं बनाऊंगी, आज तो जरूर मालपुआ बनाऊंगी। और उस दिन उसने मालपुआ बनाए और उस दिन संतों की पंगत बहुत अच्छे से हुई। तो अब वह भक्त समझ गए कि अगर हम इससे उल्टा व्यवहार रखेंगे तो ये सीधा काम करेगी, अगर हम इससे सीधा व्यवहार रखेंगे तो ये जरूर उल्टा काम करेगी। तो उस दिन से वो उससे उल्टा ही बोलते थे। जिस दिन मालपुआ बनाने नहीं होते उस दिन कहते थे आज तुम मालपुआ बना देना, आज कोई उत्सव नहीं, आज संत लोग प्रसाद पाने आएंगे। तो वो उस दिन बाजरे के सूखे टिक्कड़ बना देती थी। तो ऐसे उनका काम चलने लग गया।
एक दिन उस स्त्री का भाई आया उसको लेने के लिए। तो वो संत थे, भक्त थे, ये तो उस स्त्री से परेशान हो गए थे, भला कहाँ तक इससे झूठ बोलते, कहाँ तक अपराध कमाते उल्टा व्यवहार करके। तिन्होंने कहा कि नदी में बाढ़ आई है, तुम तैर के मत जाना, नौका में बैठ के जाना, नहीं तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो वो जो कहते उससे उल्टा कार्य करती थी। तो उसने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, नदी में बाढ़ आ जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं तो तैर के ही जाऊंगी। और गई और नदी में कूद गई, नदी में बाढ़ आ रही थी और उसके प्राण निकल गए। तो संत जी ने कहा कि अब तो मैं मुक्त हो गया इस संसार से, कहाँ तक किस स्त्री से उल्टा व्यवहार रखता। तो ऐसे ही माधवदास जी कहते कि संसार उल्टा ही चलता है, तुम सही काम करोगे तो संसार ही उसको झूठा ही घोषित करेंगे, अगर तुम भगवान की सेवा करोगे, भक्तों की सेवा करोगे तो संसार उसको झूठा ही घोषित करेगा, और तुम संसारियों की सेवा करोगे, संसारियों के लिए हर कार्य करोगे तो तुम्हें अच्छा बनाएंगे, सम्मान देंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। तो यह संसार हमेशा उल्टा ही चलता आया है, इसमें हम लोगों को उल्टा व्यवहार करके संसार के बीच में रहते हुए भी भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। वो कैसे? तो कहते कमल का पुष्प होता है वो कीचड़ में ही उसकी कली आती है, कीचड़ में उसके जड़ रहते हैं, उसका पौधा कीचड़ में ही रहता है पर कीचड़ से अलग रहता है, उसके ऊपर एक पानी की बूंद भी डाल दो तो भी वो उससे अलग हो जाएगी। तो कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है, उसी तरह हम लोगों को इस संसार से अलग रहना चाहिए। पर संसारी लोग तो इस तरीका से संसार में फंसे हुए, जैसे मछली होती है उसको पानी से अलग कर दो तो उसी समय उसके प्राण चले जाते हैं। तो संसारी लोग आज यही कार्य करते, अगर उनको संसार से अलग कर दिया जाए, भगवान की भक्ति में लगाया जाए, भक्तों की सेवा में लगाया जाए, तो फिर उनके प्राण नहीं रहते, वो तो संसार में ही दौड़ते, उन भोगों के पीछे ही दौड़ते हैं जिनको अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं, अनंत जन्मों से कष्ट पाते आए उन्हीं को ही भोगते हैं, इससे छुटकारा नहीं मिलता। तो सच्चा उपाय तो यही है कि भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर इस संसार में रह के भगवान का भजन करना है तो माधवदास जी तो यही कहते कि जैसा कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है, उसी तरीका से हम लोगों को इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना है, संसार को पीठ दिखानी है। जैसे मीराबाई थी, संसार में ही रहती थी पर केवल अपने गिरधर गोपाल का भजन करती थी और एक ही शब्द कहती थी, एक पद में कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसके विवाह भी हो गया था उसका, फिर भी उसने तो अपना पति केवल भगवान श्री कृष्ण को ही बनाया था, अपने गिरिधारी लाल को ही बनाया था, उसी का ही भजन करती थी, उसी की सेवा करती थी और संतों को तो अपना पिता समझ के उनकी गोद में जाके बैठती थी। तो संसार में रहते हुए भी संसार से पीठ दिखा दी और भगवान की सह शरीर प्राप्ति करी, इसी शरीर से भगवान में लीन हो गई। तो हम लोगों को भी इसी तरीका से भगवान का भजन करना चाहिए, जिस तरीका से कलयुग में अनंत भक्त हुए, संसार में रहते हुए भी संसार से पीठ दिखा दी और भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। तो माधवदास जी ने ऐसे ही भगवान की भक्ति करी और भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत किया। जय श्री राधे।